क्या कहना चाहेंगे आज जोबनिया जलेबी जो गाना लॉन्च हुआ है साथ में रेखा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, रेखा जी के लिए, क्योंकि हम लोग का हिंदी गाना आया है, मेरा पहला हिंदी सॉन्ग है ये, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है फैंस से, आप लोगों से, सो आई एम वेरी हैप्पी। रेखा जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ जी, मैं लकी हूँ कि ये जो गाना आ रहा है जोबनिया जलेबी, उसमें रानी एक्ट करी है, बहुत खूबसूरत इन्होंने परफॉर्म किया उस गाने पर। मेरे लिए हमेशा लकी रही हैं क्योंकि इससे पहले हमारा एक सुपरहिट सॉन्ग आ चुका है, जब केहू दिल में समझ आया फिल्म। क्या था वो गाना? बड़ा चोलिया में होता गुदी गुदी रे माई। यस, मुझे भी आज मालूम पड़ा, मतलब नाम मैं जानती थी बट आज पता चला कि इन्होंने ही गाया वो गाना। गाना बड़े पाबंदियों के बीच बहुत ही सरप्राइज रखा गया था मीडिया के लिए भी जब Yes, आप लोगों ने सरप्राइज दिया था सेट पर आके मुझे। क्या कह रहे हैं, कितना छुपा के रखा था ये चीज़, पता ना लगे? बहुत छुपा के रखा था। अक्सर ये होता है कि जब भी मैं किसी सेट पे जाती हूँ या शूटिंग करती हूँ तो लोगों को अपडेट करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा लुक रिवील करती हूँ ऑलवेज, बट इस वक्त ऐसा हुआ कि मैंने बिल्कुल रिवील नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं बताया मैं क्या कर रही हूँ, सीधा गाना ही आया है लोगों के सामने। सो आई थिंक ये सरप्राइज है और ये सरप्राइज अच्छा लगता है, हर किसी को पसंद है सरप्राइज, तो ऑडियंस को भी पसंद आया सरप्राइज। शूट के दौरान कैसे, किस तरह का शूट रहा आपका, कितनी मौज मस्ती रही रात का शूट रहा? शूटिंग बहुत अच्छी रही, शूटिंग बहुत अच्छी रही, हमने बहुत ही कलरफुल, जी हाँ बिल्कुल, जो मैंने लहंगा पहना है वो आई थिंक बहुत भारी लहंगा है, दिख रहा है ना गाने में कि मैं लहंगे को संभालते हुए डांस कर रही हूँ, बट कोरियोग्राफी इतनी स्मूथ थी, इतना अच्छा था कि मैंने स्मूथली आपने जो परफॉर्मेंस की है, थैंक यू, बहुत अच्छे खूबसूरत मूव्स हैं वो सबको। यस यस, कोरियोग्राफी बहुत प्यारी है, ट्रेडिशनल लुक में भी नज़र आई हूँ इसमें, ग्लैमर लुक में भी नज़र आई हूँ, तीन ड्रेसेस मैंने इसमें बदले हैं, आपने कॉस्ट्यूम पहने, मिक्सअप रहा है लुक मेरा वेस्टर्न एंड टू इंडो वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल। मेरे लिए होने वाला है बहुत बड़ा सरप्राइज था कि रानी आप ये गाना कर रही हैं मेरा, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैंने एक हिट हमारा हुआ था तो मुझे इस गाने से और उम्मीद आ गई कि एक और बड़ा हिट शायद मेरे लिए ये गाना आपकी वजह से हो जाए, तो होप सो, और हमारी ऑडियंस अब इस गाने को हिट बनाएंगी, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यस यस, और आज ही रिलीज़ हुआ है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आई होप कि एक दो दिन में गाना ट्रेंड करे हमारा, आई थिंक ट्रेंड पे जा चुका है, मुझे किसी ने बताया, बट आई होप कि ट्रेंड करेगा, और हम रिक्वेस्ट करेंगे सबसे जितने भी हमारे गाने को सुनने वाले देखने वाले लोग हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रील्स आप इस गाने पे बनाएं, बिल्कुल। होली आ रही है तो होली पे एक डीजे वाला सॉन्ग, yes, डांसिंग yes. नंबर ये गाना है, तो जितना हो सके आप इन्जॉय कीजिए और खूब सारे रील्स बनाइएगा। होली कैसे सेलिब्रेट करता है आपका रानी? वेल, होली मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं मनाती हूँ, क्योंकि मुझे पानी वेस्ट करना बहुत बुरा लगता है होली के दिन, मैं सिर्फ गुलाल से होली मनाना पसंद करती हूँ। इस बार मेरी होली मनेगी उड़ीसा में फैंस के साथ, इवेंट करूँगी मैं, क्योंकि आई थिंक कोरोना के बाद ये मेरा पहला होली इवेंट होगा, सो आई एम वेरी यस, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। रेखा जी का कौन सा गाना है जो आपके दिल के काफी करीब है, जैसे बाले को देखो टाइटल ट्रैक हो या फिर और कौन सा गाना? सबसे पहले तो जोबनिया जलेबी है फिलहाल अभी तो और मुझे उम्मीद है आप हर जगह परफॉर्म करेंगे ये गाना। ऑफ कोर्स नाचेगी आपके साथ, ये नॉर्मल जगह तो परफॉर्मेंस होगी, बट मैं जब भी कोई रियलिटी शो करूंगी आई प्रॉमिस मैं इसी गाने पे परफॉर्म करूंगी। अगर आप दोनों से मस्ती मूड में गाना गाने की कहा जाए तो जोबनिया गाएंगे इनके सामने, मुझे गाना गाने के लिए कह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं आप? बोल रहे हैं रेखा जी, हाँ जी, साथ में ओ गॉड, दो लाइन गाएंगे आप, बड़ा चोलिया में बड़ा चोलिया में गुद गुदी रे माई, बड़ा चोलिया में होता गुदी गुदी रे माई, क्या है गाना, गाना भी आज जोबनिया के लिए। मेरे आने वाली फिल्में, मेरी तीन चार फिल्में आएंगी भोजपुरी और दो तीन सीरीज आ रही हैं और बहुत जल्दी टीवी पे डेब्यू करने वाली हूँ और बस चल रहा है। बिग बॉस का भी आपका कुछ
बिग बॉस को टाइम है, बहुत टाइम है, कैसे है कि खबर बिग बॉस को टाइम है ना? कैसे कपिल शर्मा में आप पहुंचे थे? कपिल के शो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैंने खुद को पहली बार इस तरह से इतने गंदे तरीके से हंसते देखा है। नहीं पर आप बहुत अच्छे लग रहे हो इसमें, बहुत मस्ती की आप। थैंक यू। अब बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कपिल के शो में। जब भी मैं जाती हूँ या हम जितने भी एक्टर जाते हैं, बहुत प्यार मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है। कपिल का शो मेरे लिए एक फैमिली जैसा हो गया है, क्योंकि मैं सबको जानती हूँ वहाँ पे। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब भी बुलाएंगे मैं जरूर जाना चाहूँगी। रेखा जी, आपने दो दिन पहले आपका अवार्ड हुआ है, सब भोजपुरी इंडस्ट्री को बुलाया है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? हमारे हमने थोड़े दिन पहले 6 मार्च को गोल्डन कल अवार्ड किया था। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई थी, हमारा आई थी वहाँ पे। यस यस, मैं नहीं आ पाई। बहुत सारे हमारे भोजपुरी वाले काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी महिलाओं को हमने सम्मानित किया था, बहुत सारे आर्टिस्ट को भी सम्मानित किया था। आपको मिस कर दिया हमने। यस, मैंने नहीं, मैंने मिस करेंगे मिस किया। प्लीज़ ज़रूर आइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और वुमेंस डे के लिए हम सबको शुभकामनाएं देंगे, और होली के लिए हमारी तरफ से सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली, हैप्पी होली गाइज़।